नमस्कार, बनारसी थाली में मैं सिंपी अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर भुर्जी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर, कटे हुए प्याज, कटे हुए टमाटर, हरा धनिया पत्ती, लहसुन बारीक कटे हुए अदरक और लंबे कटे हुए हरी मिर्ची, हल्दी 1 चम्मच, नमक टेस्ट के अनुसार, टोमेटो सॉस, जीरा और घी। मैंने गैस पर कढ़ाई रख ली है और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। गर्म होने के बाद घी में हम डालेंगे जीरा, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची। इसे हम 2 मिनट तक भूनेंगे हल्का ब्राउन होने तक। ब्राउन होने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, इसे भी हम हल्का ब्राउन करेंगे धीमी आंच पर, लगातार चलाते रहते हैं। ब्राउन हो जाने के बाद प्याज में हम डालेंगे अब टमाटर। टमाटर हमने बहुत ही बारीक कटा हुआ है और इसे भी हम 2 मिनट तक भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे, हल्दी हमने 1/2 चम्मच ली है। और अब हम इसमें डालेंगे पनीर, पनीर भी हमने बारीक कटा हुआ है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 2 मिनट भून लेंगे। इसमें हम फिर डालेंगे टोमेटो सॉस और टेस्ट के अनुसार नमक, और इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, मिक्स कर लेते हैं। सिर्फ 1 मिनट भूनेंगे और ये भुर्जी रेडी हो चुका है। तो हम इसे बाउल में खाली कर लेते हैं और अब हम इसे गार्निश करेंगे धनिया से और पनीर कद्दूकस करके। इसके बाद देखिए इसका लुक कितना अच्छा हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।